जबरदस्ती भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पांचाल समाज ने आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए एक ज्ञापन जिला कलेक्टर सीएसपी के नाम प्रेषित किया है। ज्ञापन में बताया गया कि बेरछा रोड बाईपास पर समाज के कुछ लोगों की जमीन पर डी के मीणा और राजेंद्र शेखावत के द्वारा दादागिरी करते हुए सीमेंट के पोल गाड़कर उनकी जमीन पर कब्जा किया गया है। उक्त ज्ञापन में भूमाफियों पर लगाम लगाने और 420 की धारा के तहत नकली कागजात बनाने सहित अन्य प्रकरण दर्ज करने की अपील की गई है। जिला उज्जैन मध्य प्रदेश विषय भूमाफिया द्वारा अवैध कब्जा करने बाबत महोदय बेरछा रोड पर बेरछा रोड चौराहा बाईपास पर शारदा पांचाल पति यशवंत पांचाल मांगीलाल पांचाल भंवरलाल पांचाल ओम प्रकाश कन्हैयालाल रतनलाल पांचाल ओंकारलाल पांचाल के फ्लैट पर कल दिनांक 23/11/2016 बुधवार को डीके मीणा और राजेंद्र शेखावत 20-30 लोगों को हथियार लेकर पांचाल समाज के लोगों की निजी जमीन पर आकर सीमेंट के खंभे गाड़ दिए और समाज के लोगों को धमकाया। यह कहा गया कि हमारा धंधा है, कोई भी हमारे आगे नहीं बोलेगा। श्रीमान से निवेदन है कि इन लोगों की सारी जमीन की जांच कराई जावे ताकि शहर के भूमाफिया एवं गुंडागिरी बंद हो और किसी कोई कई सौदे सीधे साधे लोगों के को इनके चुंगल से बचाया जाए। साथ ही फर्जी कागजात बनाने को लेकर 420 का प्रकरण दर्ज कराया जावे। धन्यवाद मैडम के यहाँ ये भेजने के लिए है ना, तो मैडम आएगी अवगत करा के भेज दिया जाएगा कलेक्टर महोदय के यहाँ, जैसा होगा तो जाँच ठीक है। परसों रात को है ना मैं दुकान में सोया था तो है ना कुछ लोग दारू पी के आए ने वो शटर बजाई, मैं अंदर सोया था इसलिए बाहर नहीं निकला। वो बांस बांस खींचा खींच कर हमारे दुकान वही अकेले ही में ही, तो रात को ऐसा करा उनने ने गाली गलौज करी। क्या नाम है आपका? जीवन पांचाल। मैं भंवरलाल पांचाल, मेरी भूमि में जबरदस्ती खम्भे गाड़ करके कब्जा किया गया, मेरे भाई की जमीन में भी कब्जा किया गया और पड़ोसियों की 2-3 नंबर है, उन सभी नंबरों में आकर के दो जगह के फोटो लगा करके फर्जी रजिस्ट्री करवा ली गई जो कि अवैध है और इन भूमाफियाओं पे कठोर कार्रवाई की जाए, बस यही कहना चाहता हूँ। मैं नागेश्वर, हमारी जमीन पर देखे मीणा ने अवैध कब्जा करने के लिए खम्भे खड़े कर दिए और हमको मारने की धमकी देने के लिए लगा और 15-20-25 जनों को लेकर आया और सबको वहाँ से कब्जा करने के लिए तैयार हो गया और हटाने के लिए मारने के लिए दौड़ा वो क्या, पर हमसे मेरा बोले कोई हाथ नहीं लगा यहाँ पे इस खम्भे के। 2010 में रजिस्ट्री हो चुकी थी उसकी और वो तो सामने वाली पार्टी ने उसको डबल रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री करवा के नामांतरण करवा के उसकी एक और रजिस्ट्री करवा ली जिसके नाम डीके मीणा के नाम से करवा ली उसने। अब वो 2016 में ई रजिस्ट्री हुई जबकि हमारी 2010 की रजिस्ट्री है, शादी वाली रजिस्ट्री, उस पर उसके बेस पे वो मतलब बार बार प्लाट पे आ रहा हमारे और धमका रहा है और बोल रहा है कि आप ये हमारी जमीन है यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा ऐसा है। पुलिस में कोई शिकायत करी? पुलिस में शिकायत करी सर, हमने कल ही FIR करी सर, कल हथियारबंद मतलब आदमी लेके आया था ये और बहुत डराया धमकाया इन्होंने। गाड़ी उधर साइड में क्या घटनाक्रम हुआ कल? कल हमारे साथ हमारी जो 306/2 है उसमें अवैध रूप से खंभे गाड़े गए और दादागिरी करी गई और छीना झपटी करी गई। क्या नाम है आपका? आज पांचाल समाज द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर बुद्धा को दिया गया है, कुछ भूमाफिया द्वारा हमारे समाज के लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि ऐसे लोगों से हमारे समाज को बचाया जावे, आगे की कार्रवाई जो भी हो कानूनी कार्रवाई करके इनको समझाया जावे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जावे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज आगे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा जिसकी सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। इनका जो रजिस्ट्री की तारीख है वो पिछली है और अभी जो रजिस्ट्री बाद में अभी कल परसों करवाई है तो वो थोड़ी मान्य होगा क्या?
बिला वजह परेशान करते हैं, सीधे लोगों को सताते हैं। पटवारी ने नामांतरण की गलती, पटवारी की गलती है कि उन्होंने नामांतरण नहीं करवाया, कराया नामांतरण तो करवा लिया लेकिन नेट पे नहीं चढ़वाया, नेट पे नहीं चढ़वाया, उनकी गलती है, ये गलती उनकी। अब उनकी गलती के लिए हम क्या प्लाट खोदेंगे क्या? जो उचित कार्य हो वो करें।